व्यूअर्स, नवीद अहमद ई प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ और आज की वीडियो में बात करेंगे DHA गुजरांवाला के जी ब्लॉक जो के तकरीबन 80% डेवलपमेंट है और जिसका पोजेशन सबसे पहले DHA गुजरांवाला रेजिडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देगा। जी ब्लॉक के रेट्स, उसके पोजेशन के रिलेटेड न्यूज़ और उसकी डिवेलपमेंट के रिलेटेड। तो करते हैं वीडियो का आगाज़। जी ब्लॉक में 10 मरला और एक कनाल की कटिंग है जो कि सब ब्लॉक्स 4 पर मुश्तमिल है, G1, G2, G3 और G4। अब हम आ जाते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जिस तरह आपको नज़र आ रहा है G1, G2 जो के 10 मरला पर मुश्तमिल है, इस तरह G3 और G4 1 कैनाल की कटिंग पर मुश्तमिल। यहाँ पर रेट्स की बात कर लें, जो नॉर्मल रेट्स अगर जनरलाइज बात की जाए 10 मरला 58 लाख से लेकर और मैक्सिमम चले जाते हैं 75 लाख तक, ये कॉस्ट ऑफ लैंड की डील होती है। इसके ऊपर डिवेलपमेंट चार्जेस 18 लाख रुपये होते हैं। इसी तरह 1 कैनाल की बात कर लें, नॉर्मली जो नॉर्मल से नॉर्मल प्लॉट है वो स्टार्ट हो जाता है 93 लाख से लेकर और मैक्सिमम चले जाते हैं 1 करोड़ 25 से 1 करोड़ 30 के दरमियान, ये भी कॉस्ट ऑफ लैंड की डील होती है और इसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस 24 लाख रुपए होते हैं। अब मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो कैटागरी जो पट्टीज़ हैं, ये 150 फीट के रोड के प्लॉट्स हैं, इनकी डिमांड जो मेन के प्लॉट्स हैं यहाँ पर, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं G2 के, ये जो आपको प्लॉट्स नज़र आ रहे हैं इनकी डिमांड 72 लाख और कॉर्नर और मेन का हो जाए तो उसकी डिमांड हम कर सकते हैं 75 लाख रुपीज़। और इसी तरह जो G1 के ये ऊपर वाली पट्टी है, ये बाउंड्री के प्लॉट्स समझे जाते हैं, यहाँ पर रेट्स कम हैं। यहाँ पर 10 मरला जो मेन का है उसकी 64-65 लाख डिमांड होती है, लेकिन बायर जो है वो यहाँ पर एग्री नहीं होता जो है बाइंग करने के लिए, उससे बेहतर वो G2 में नॉर्मल प्लाट बाइंग करना चाहता है। तो इसी तरह बात कर लें यहाँ पर जो नॉर्मल G2 में नॉर्मल से नॉर्मल प्लाट है, बैक लगा लें या फेसिंग पार्क की बैक लगा लें या मेन की बैक लगा लें, वो 62-63 लाख रुपये इस वक्त डिमांड हो रही है। और फेसिंग पार्क या कॉर्नर जो है, कॉर्नर फेसिंग पार्क, उसकी डिमांड भी 70 लाख रुपए यहाँ पर करते हैं 10 मरला कॉस्ट ऑफ लैंड। वो G1 में जो नॉर्मल प्लाट है इन पट्टीज़ के नॉर्मल प्लाट, वो 60 लाख रुपीज़ डिमांड करते हैं, 61 लाख रुपीज़ भी डिमांड करते हैं। और जो यहाँ पर बाइंग बनती है वो 58-60 के राउंड फिगर में बनती है G1 में नॉर्मल प्लाट की। इसी तरह G2 में जो नॉर्मल प्लाट है वो हमारी जो बेस्ट बाइंग बनती है वो 61-62 के राउंड फिगर में बनती है। और कैटेगरी प्लॉट अगर आपको मिल जाए 68-67 या 66 का G2 में, तो वो आपके लिए बेस्ट है। अब बात कर लें 1 कैनाल की। 1 कैनाल के जो मेन के प्लॉट्स हैं, अच्छे प्लॉट्स जो समझे जाते हैं 150 फीट के, यहाँ पर इनकी डिमांड करते हैं 1 करोड़ 25 लाख से लेकर 1 करोड़ 30 भी। और जो कॉर्नर हो जाए, जिस तरह ये कॉर्नर है मेन है और इसी तरह ये कॉर्नर मेन, इनकी डिमांड कर सकते हैं 1 30, 1 32 या 1 35 भी सम जो है सेलर्स डिमांड करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बायर आता है 1 करोड़ 20 के राउंड फिगर में कैटेगरी प्लॉट का बायर जो है वो बाइंग करता है। और इस तरह नॉर्मल पट्टीज जो है G3 में, इनकी डिमांड भी यहाँ पर कोई करते हैं 93-94 लाख रुपीज़। जो बाइंग बनती है वो 90+ में ही बनती है, 91 लाख में कॉस्ट ऑफ लैंड या 92 लाख में। कोई भी प्लॉट आपको G3 या G4 में मिल जाए तो वो बेस्ट बाइंग है। और बात कर लें अब इसके पोजीशन की, तो DHA गुजरांवाला को जो हबीब रफीक वालों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उनकी जो कंप्लीट डेट है, ये कंप्लीट करके जो इसकी डेवलपमेंट वो देंगे वो 7 अक्टूबर 2023 है। इट्स मीन के 23 के लास्ट में पॉसिबिलिटीज़ हैं पोजीशन जी ब्लॉक का। और अगर इसका पोजीशन अनाउंसमेंट हो जाता है तो यहाँ पर जो रेट्स हैं, 10 मरला का प्लाट 1 करोड़ के राउंड फिगर में ट्रेड हो और इसी तरह 1 कनाल का प्लाट 1.5 करोड़ की ब्रैकेट में नॉर्मल जो है वो ट्रेड होगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस और मालूमात जानने के लिए मेरे चैनल और फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। और मैंने अपने ओवरसीज़ क्लाइंट के लिए स्पेशली एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जहाँ पर मैं डेली वाइज आल DHAs की फाइल्स के रेट को अपडेट करता हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आपको बारकोड स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।